सो गाइस, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि टेलीग्राम में फ़ोटो आप कहाँ सेव होती है, किस तरीके से सेव कर सकते हो, सारा कुछ बताने वाला हूँ। सबसे पहले गाइस आपको करने क्या है, वीडियो को लाइक कर देना है। उसके बाद गाइस अब आपको यहाँ पर सबसे पहले टेलीग्राम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। और जिस जो भी आपका फ्रेंड आपको कुछ भी सेंड किया होगा को मान ले जाए, जैसे ये है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं किसी ग्रुप को ओपन कर लेता हूँ, जैसे इसको कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी फ़ोटो वीडियो है, तो यहाँ पर किस तरीके से सेव कर सकते हो, सेव कहाँ पर होते हैं पूरी डिटेल बताने वाला हूँ। सबसे पहले मान ले जाए मेरे को ये फ़ोटो सेव करना है, तो हम उदाहरण किसी भी फ़ोटो के लिए हमारे को ये फ़ोटो कोई भी सेव करना है, तो उस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद टर्न ऑन राइट साइड पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा थ्री लाइन का, थ्री डॉट का, इस पर हमारे को क्लिक कर लेना है। उसके बाद तीसरे नंबर पे एक ऑप्शन मिलेगा सेव टू गैलरी का, इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद सेविड फ़ोटो टू गैलरी आ चुका है। यहाँ पर आप ये फ़ोटो को ध्यान से देख लेना। अब यहाँ पर गैलरी में चलते हैं, देखते हैं हमारा फ़ोटो आया कि नहीं आया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा ये फ़ोटो यहाँ पर आ चुका है, जो कि यहाँ पर था, ठीक है। तो यहाँ से मान लीजिए मैं इस फ़ोटो को लेना चाहता हूँ और किसी फ़ोटो इसको लेना चाहता हूँ, इस पर क्लिक करेंगे, सेव टू गैलरी पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर अभी हम देख लेंगे क्या हमारा फ़ोटो इसमें आता है। यहाँ पर आप देख सकते हो आ चुका है। यहाँ पर कौन से फोल्डर में आता है, तो मैं आपको यहाँ पर फाइल मैनेजर के अंदर लेके चलता हूँ। स्टोरेज पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर टेलीग्राम को ढूंढ लेंगे, जैसे टेलीग्राम ये रहा, इस पर क्लिक करेंगे, इमेजेस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे जाएंगे तो यहाँ पर ये फ़ोटो हमारे को मिल जाएंगे। तो आई होप कि कुछ इस तरीके से आप मतलब सेव कर सकते हो, इस तरीके से देख सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अगले टॉपिक के साथ वापस, तब तक के लिए वंदे मातरम।